ग्वालियर जिले के डबरा शहर में एक सर्राफा कारोबारी मोहनलाल सोनी के यहाँ पिछले सप्ताह दुकान के पीछे दीवार में छेद कर चोरी करने वाले तीन बदमाशों को क्राइम ब्रांच और डबरा पुलिस ने ग्वालियर के कैसरबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। ये बदमाश भिंड और ग्वालियर के रहने वाले बताए गए। आरोपियों के कब्जे से करीब 1,25,000 रुपए का माल मशरूका बरामद किया गया। पकड़े गए चोरों के नाम जीतू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा, बिजौली भूरे उर्फ भूपेंद्र कुशवाहा, एंडोरी भिंड कमल सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषणों के अलावा सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर, चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, दीवार तोड़ने में उपयोग में लाई गई लोहे की रॉड बरामद की है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों की तलाश है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ की जा रही है। इनसे चोरियों के अन्य मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। डबरा में मोहनलाल सोनी जी सराफा ज्वेलर्स की शॉप है, उनकी दुकान में छेद करके अभी कुछ दिन पूर्व नकबजनी की घटना घटित हुई थी। उसमें उनकी ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। उसी संबंध में क्राइम ब्रांच और डबरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। तीन बदमाश जो थे वो उनकी सूचना प्राप्त हुई, उनको पकड़कर पूछताछ करने पर उनसे घटना में जो प्रयुक्त सोने चांदी का सामान था वो सभी बरामद कर लिया गया और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। इस प्रकार डबरा पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी की घटना का खुलासा किया गया। अन्य चोरी के संबंधों में भी पूछताछ की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है इनके? क्या अब बैकग्राउंड तो इनका तस्दीक की जा रही है, जो बाहर के हैं भिंड तरफ रहने वाले हैं।